सोरठ महला पंजवा कर पहला चौ तुके सोरठ रागनी पंजवें पातशाह घर पहले च गाउण दा हुकम करदे चौ तुके यह हुण चार चार तुकां दे शब्द सो चार चार तुकां आउणगियां जिस प्रकार इस शब्द दियां चार पौड़ियां ने ना तो जदों लिखिया हुंदा ना एक तुका उदों पौड़ियां चार ही होणगियां तुक एक एक आउंदी है दो तुके च दो दो तुकां आउंदियां तीन तुके च तीन तीन तुकां यह हुण चौ तुके जिहड़ा मतलब है चार चार तुकां होणगियां ते चार पौड़ियां होणगियां चार चौके सोलह पंगतियां हो गईयां दो पंगतियां रहाओ दियां कुल अठारह पंगतियां दा शब्द होवेगा सोरठ महला पंजवा घर पहला चौ तुके गुर गोबिंद सलाही है भाई मन तन हिरदै धार ए भाई गुरु उपदेश नूं हिरदे च धार के मन तन विच गोबिंद नूं सलाउणा करो साचा साहिब मन वसै भाई एहा करनी सार महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे भाई जिहड़ा मन विच सच्चे साहिब दा वस जाणा है सारिआं नालों श्रेष्ठ करनी इही है बस जित तन नाम ना उपजै भाई से तन होए चार भाई जिहड़े शरीर दे विच नाम नहीं पैदा हुंदा जिथे नाम हिरदे च चलदा ही नहीं उह शरीर तां सुआह वांगू निष्फल ही जांदे है साध संगत कौ वारिया भाई जिन एकंकार आधार भाई मैं सतसंगत कौ तो भाव कौ तो हुंदा भाव तो मैं सतसंगत तो वारिया बलिहार जाना जिन्हां नूं एक वाहिगुरु दा ही आसरा है सोई सच आराधना भाई जिसते सब किछ होए ए भाई ओ सच्चे नूं आराधना करो जी तो सब कुछ हो रहा है गुरपूरै जाण आया भाई तिस बिन अवर ना कोए रहाओ ए भाई पूरियां गुरां ने जना दिता कि उस वाहिगुरु तो बिना होर कोई आराधने योग नहीं है रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने नाम विहूणे पचमुए भाई गणत ना जाए गणी भाई नाम सिमरन तो बिना होने करके इन्ने बंदे पच के दुखी होके मर के चले गए आ जिन्हां दी गणत तो भाव गिणती गिनी नहीं जाती वेण सच सोच ना पाई है भाई साचा अगम धनी ए भाई सच नाम दी सोच हुंदा विचार कीते तो बिना सच्चा जो अगम धनी है वह प्राप्त नहीं हुंदा आवण जाण ना चुकई भाई झूठी दुनी मणी भाई झूठी दुनिया दी झूठी मनौत होण करके जमना मरना दूर नहीं हुंदा गुरमुख कोट उधार दा भाई दे नावै एक कणी ए भाई जिहड़ा मुख गुरु है वह एक नाम की कणी रंचक मात्र सिक्ख्या दे के करोड़ा जीवां नूं तार दिंदा किसी एक गुरमुख दे विच जोत रख के उहदे राहीं करोड़ां नूं तार दिंदा सिमरत शास्त्र सोधिया भाई बिन सतगुर भरम ना जाए ये भाई भावें सिमरतियां शास्त्रां नूं किन्ना ही सोधिया जावे पर सतगुरां तों बिना भरम नहीं जांदा बंदे दा अनक कर्म कर थाकिया भाई फिर पैर बंधन पाए भाई निगुरा बंदा किन्ने प्रकार दे कर्म करदा थक गया मुड़ मुड़ के उहनूं बंधन पैंदे जांदे ने अपने जाने तां करदा सियाणप पर किसे काम नहीं आउंदी उह चारे कुंडा सोधियां भाई बिन सतगुर नाहीं जाए भाई जिहड़ी चारे कुंडा ने ना चारे देशां विच सोधिया है कि सोधियां किवें जी कहिंदे फिर के चारे पासे देखिया भालिया ढूंढिया विचार कीती पर सतगुरां तों बिना होर कोई सुख दी जाए हुंदी जगह नहीं है वडभागी गुर पाया भाई हर हर नाम ते आए 609 अंग ते फरमाउंदे आ भाई जिस वड्डियां भागां वाले जीव ने गुरां नूं पाया ना गुरु नूं प्राप्त कर लिया गुरु वाला बन गया उही वाहिगुरु वाहिगुरु नाम नूं ध्यांदा है हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल सच सदा है निर्मला भाई निर्मल साचे सोए ए भाई सच्चा वाहिगुरु सदा निर्मल है वो सच्चे दी जी सोए भाव शोभा भी निर्मल है निर्मल हुंदी उज्जल है नदर करे जिस अपनी भाई तिस प्राप्त होए भाई वह वाहिगुरु जिस उत्ते अपनी कृपा दृष्टि करदा है प्राप्त उसे नूं हुंदा है कोट मध्ये जन पाई है भाई बिरला कोई कोए भाई गुरमुख जिहड़े ना वो कोड़ां विचों कोई कोई बिरला ही पाईदा है जां रब दा प्यारा सारे नहीं हुंदे
नानक रत्ता सच नाम भाई सुन मन तन निर्मल होए। महाराज कथन करदे भाई जो सच्चे नामी दे नाम सिमन च रंगिया होया है, जे उहदे पासों कहिंदे नाम सुनीए ना तां आपणा मन तन निर्मल हो जांदा, शुद्ध हो जांदा है। उहदे क्योंकि जपण विच बड़ा फर्क हुंदा, बरकत बड़ी हुंदी उहदे जपण विच। एक वारी उह किते वाहिगुरू कह दे दे ना उह इन्ने नाल ही बहुत फर्क पै जांदा। एक वारी कह दे वाहिगुरू वाहिगुरू, बस उहदा इन्ना ही कहा वै, क्यों कमाई कीती होई है। हुण जिहदी कमाई नहीं कीती आ उह किन्नी वारी वाहिगुरू कहिंदा, ते कमाई वाले दा एक वार किहे ही फर्क पै जांदा। सोरठ महला पंजवा दो तुके, सोरठ रागणी च पंजवें पातशाह दो तुके। हुण इह पहला चौ तुके सी, हुण दो तुके, दो दो तुकां वाले शब्द आउणगे। जाओ लाओ पाओ अपाओ इहो मन है, ताओ लाओ मिलण दूर आई। ए जीव जदों तक भाओ हुंदा राग ते अपाओ हुंदा द्वैश, ये जदों तक बिना कारण तो ही किसी ना राग प्रेम करी जांदा ते द्वैश नूं मंनदा है, उदों तक वाहिगुरु नाल मिलना दूर आई भाव दूर है। दद्दे नूं दलैंकड़े लगण करके दूर आई पाठ करना है। जे इहनूं आपां दुराई कर दईए ना, दुराई दा अर्थ हुंदा छुपया होया, दुराई मतलब छुपाया छुपया, इस करके दूर आई हुंदा दूर। आन अपना करत बिचारा ताओ लाओ बीच बिखाई, ये जीव जदों तक आन अपना ये पदार्थ होर दा ये अपना है ये मेर तेर दा विचार करदा है, तौ लाओ उन्ना चिर ही विचाले विखाई विखमता कठन धार रही है, विखाई तो भाव विथ आ रही है। माधवे ऐसी देहो बुझाई, हे परमेश्वर मैनू यह जी सिख्या समझा दो। माधवे माया दा तौ पति परमेश्वर, सेवा साध गहा ओट चरना नह बिसरै मोहत चसाई रहाओ। ऐही जी मैनू सिख्या समझा दो, संतां दी इक तां सेवा करिया करा, भागां नाल सेवा मिलदी है, जे इह हुण करन वी कोई तुर पैंदा, 50 जाणे रोकण वाले हुंदे ने, क्यों माड़े कर्मां नूं, ते जे चंगे कर्मां नूं तुर पे मूहरों मिल जाण बंदे चंगे, कहणगे शाबाश चंगे चंगा करना चाहीदा, ते जिहड़े माड़े भागां नूं माड़े बंदे मिल के आ उन्हां कोल की आ उत्थे की आ उत्थे आए कर करा के पिछे नहीं भजा दिंदे अगले नूं। इक तां कहिंदे संतां दी सेवा करां, तुसीं कृपा करो उन्हां दे चरणां दी ओट आसरा गहों फड़ी रखा, गहों तो भाव फड़ी रखा। अते मोहत हुंदा अद्धी घड़ी ते चसाई हुंदा चसा भर वी सिमरन ना मैनूं भुल्ले, ये कृपा कर दिओ। विश्राम दे के फरमाउंदे ने पूर्ण पुरख होण पर, जिवें संत बाबा हरनाम सिंह जी महापुरख सी रामपुर खेड़े वाले, सो इसे प्रकार ऐसे ऐसे सोहने महापुरख मिल जाण नाम जपाउण वाले। अरे मन मुग्ध अचेत चंचल चित तुम ऐसी हृदय न आई, ए मूर्ख मना अज्ञात मन तू चंचलताइयां नूं चित वरिहां, तेरे हिरदे विच अही जी विचार कदे भी नहीं आई कि चंचलताइयां इह सारियां दुख रूप ने। प्राण पत त्याग आन तू रचिया उरजिहो संग बैराई, प्राणा दे पति परमेश्वर नूं त्याग के आन हुंदा होरना विच ही रचिया फिरदा, दवैत दे विच लग्या होया, अते तेरे वैराई वैरी जो संबंधी है उन्हां दे नाल उरजे भाव फसे ही होया। सोग ना व्यापै आप ना थापै साध संगत बुद्ध पाई, जिन्हें सतसंगत विचों भजन सिमरन करन वाली बुद्धि प्राप्त कर ली है, उन्हें परिवार विच रहिंदिया होया भी सोग नहीं व्यापदा, क्योंकि वह आपा पा हंकार नूं नहीं करदा, छड़ दिंदा सब कुछ। ओह संगत विच भी कई बारी चंगे बंदे भजनीक मिल जांदे आ, कई बारी इह जिहे वी हुंदे आ कहिंदे अज प्रसाद ठंडा अज गर्म है, अज मैनूं थोड़ा मिलिया ज्यादा मिलिया, अज लंगर स्वाद सी। कई स्वादू जिहे हुंदे ने संगत च, कई सौण ही जांदे ने, कई बह के वह गल्लां ही करी जांदे, कई पिछे कंध नाल बैठे बुढ़े जे नुक्ता चीनी करदे रहिंदे ने, कई मूहरे ऐन सावधान होकर सियाने विद्यार्थियों को गल नूं पकड़ करते ने, सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। फिर इउं हुंदे अलग अलग संगत विच भी कई प्रकार की संगत हुंदी है। साकत का बकना इउं जानो जैसे पवन चुलाई, साकत दुष्टां दा बकना हुंदा बोलना इउं जाणो जिवें हवा चुलाई, हवा दा बुल्ला आ गया ते लंघ गया, उह तां बोली जाणगे। कोई महापुरख कोई गल करदे सी इक वार, कहिंदे दुनिया की निंदिया की गल चल पी बोलण की, कहिंदे जे तां कोई हवा नूं हथ च फड़ सकदा होवे ना
फिर तो इन्हों लोगों के मूँह भी फड़ लवे कोई, कहने इन्ने मूहों को किवें फड़ सकते हैं। सो इस करके क्योंकि ये तो अपना भलाई करते, जिन्ना गंद बोलते हैं जिन्ना पुठा बोलते हैं वो अपना तो भलाई होंगे, आपू तो चुप ही चंकी है, क्योंकि इन्होंने तो गंदगी सारी हूंझ के सूर वगू सारा साफ करके अगले का हिरदा साफ करना होंगे तो नरकों में जाना होंगे। कोट पराध अछाद्यो एह मन कहना कछु न जाई, ये जड़ा चंचल मन है करोड़ों अपराधा करके अछाद्य होंगे ढकिया पिया, इस करके कोई कहा नहीं जाता, पाप कर करके कर करके मन ढकिया पिया, अंदर जड़ा असली हीरा है आत्मा वो तो दिखती ही नहीं किधर नूं गई। बड़ा सारा ढेर होवे ना मिट्टी का तो वो थले हीरा लुको दिए लभदा कितने, इस तरह ही साढ़े को अंदर आत्मा, आत्मा तो बाद फिर बुद्धि फिर मन फिर इंद्रिया फिर शरीर फिर नौ मेरा फिर जात पात फिर विद्या का हंकार फिर पैसा फिर जमीन जायदाद पता नहीं की कुछ दे नाल अंदर आत्मा तो ढकी हुई पई, आत्मा की तो कदे कोई गल ही नहीं करता, हरेक कोई कहना मेरी गल करो आत्मा नूं छड्डो, जन नानक दीन सरन आयो प्रभ सब हरेक लेखा रखो उठाई, आयो प्रभ ते विश्राम सब लेखा रखो उठाई। विश्राम ना स्पष्ट हुंदा होवे पंक्ति नूं पिछले पासे देख लो, क्योंकि यह पंक्ति अद्धी इत्थों पूरी नहीं, सब लेखा रखो उठाई, सो उत्थों पता लग जांदा भी यह पंक्ति का विश्राम जिहड़ा है वह कित्थों जाके लगेगा। महाराज कथन करदे इस तरह बेनती करो कि मैं दीन जो गरीब हाँ जी जन सेवक हो के ये महाराज आपकी शरण में आया, कृपा करके आप मेरा सारा लेखा उठा रखो, भाव दूर कर दियो, लेखे वाली फाइलों चुक के पाड़ी दो, धर्मराजदार कागज फारे जन नानक लेखा समझा, सोरठ महला पंजवा पुत्र कलत्र लोक गृह बनता माया संबंधे ही, पुत्र दी कलत्र भाव स्त्री भाव नौ संबंधी लोग अपने घर की बनता स्त्री इत्यादिक सारे लोग माया दे ही संबंधी ने ना, माया रूपी सन रस्सी नाल बंधे ही बन्ने हुए ने सारे, अंत की बार को खरा न होसी सब मिथिया असने ही। सो अंत दे वेले सहायता करन वास्ते कोई कोल खड़ा ही नहीं हुंदा कि इन्हां सारिया संबंधियां दा स्नेही प्रेम जिहड़ा है, असनेही कहीए प्रेम नूं, प्रेम जिहड़ा मिथिया है झूठा ही है। अरे नर काहे पपोर रहो देही, बंदिया तू किस वास्ते देही नूं पपोरदा पालदा पोसदा, ऊड जाएगो धूम बादरो एक भजहो राम स्नेही रहाओ, ये देह तो धूम हुंदा धूएं दे बादरो बदल वांग उड़ जानी है, इस करके तुसी एक स्नेही भाव प्यारा कौन है, वाहेगुरू नूं भजो तो भाव भजन करो, बाला कस के नहीं कहना भजहो भजहो, भजना कर परमात्मा नूं सिमरन कर, विश्राम दे के फरमाउंदे ने। तीन संज्ञा कर देही कीनी जल कूकर भस्मे ही, संज्ञा गंगे नाल है, तीन संज्ञा हुंदी तिन्ना दे संबंध करके देह पैदा कीती है, जल तो भाव सतो गुण कू तो भाव पृथ्वी रजो गुण ते पसमे ही हुंदी है तमो गुण, इन्हां तिन्ना गुणा तो पैदा करती। सो जल पृथ्वी पसमे ही अग पंजां तत्तां तो पैदा कीती, जिस वेले प्राण अंत हुंदे ने तां देह दी जिहड़ी संज्ञा हालत है तीन तरह करदे, कई तां जल प्रवाह करदे आ, कई जेड़े आ कू तो भाव पृथ्वी च दबना करदे आ, ते कई भस्मे ही हुंदा अग दे विच साड़ के सुआह कर दिंदे। होए आमरो गृह मह बैठा कारण कारण बिसरो ही, ये जीव आमरो हुंदा अमर हो के शरीर घर दे विच बैठिया होया, सब कारणां दे कारण वाले वाहिगुरू नूं विसरोही हुंदा भुला के, उन तां भुला ही दिंदा, अनक भांत कर मणिए साजे काचै ताग परोही, अनेक तरह के देहां रूप मण के साज के बना के, सो प्राणा रूपी कच्चे ताग हुंदा धागे विच परोही तो भाव परोते हुए ने सारे जीव जिन्ने सृष्टि के उत्ते रचे ने परमेश्वर ने, टूट जाएगो सूत वापरे फिर पाछै पछतोही, ये बेचारे जीव जिस वेले प्राणा रूपी सूत्र टुट जाएगा ना श्वास पूरे हो जाएंगे तो मगरों पछताऊंदा ही जाएगा रोंदा ही जाएगा,
जिन तुम सिरजे सिरज सवारे तिस त्यावहो दिन रहने ही। जिने पंजां तत्तां नूं सिरज के तुहाडे शरीर नूं सिरजिया फिर कपड़िया नाल अंगा नाल सवारिया दिन रात उहदा धन्नवाद करिया करो उहदा सिमरन करिया करो। जन नानक प्रभ कृपा धारी मैं सतगुर ओट गहे ही। महाराज कथन करदे ने मेरे उत्ते वाहिगुरु ने कृपा दृष्टि धारी है इस करके मैं सतगुरां दी ओट फड़ी है। सोरठ महला पंजवा सोरठ रागणी च पंजवें पातशाह फरमाउंदे आ गुरपूरा भेट्यो वडभागी मन है भया परगासा। वड्डियां भागां करके सानू पूरे गुरु महाराज भेट्यो तो भाव मिले ने पूरा गुरु मिलिया इस करके मन विच परगासा हो गया ज्ञान होया। कोई न पहुंचन हारा दूजा अपने साहिब का परवासा। साडी बराबरी करन वाला सानू दुख देण वास्ते होर कोई दूजा साडे कोल पहुंचने वाला नहीं क्योंकि सानू अपने मालक परमात्मा का पूरा परवासा है पूरा भरोसा है। अपने सतगुर कै बलिहार है असी अपने सतगुरां तो बलिहार बलिहार कुरबान जाने हाँ। आगै सुख पाछै सुख सहजा घर आनंद हमारा रहाओ। साडे हिरदे च आनंद स्वरूप परमेश्वर प्रगटिया इस करके पाछै इस लोक विच सहजा सहजे हुंदा सुभावक ही सो सहजा हुंदा ज्ञान करके सुख बनिया। आगै हुंदा परलोक परलोक विच भी सुखी होवेगा विश्राम दे के फरमाउंदे ने अंतर जामी करना हारा सोई खसम हमारा। जो सारे परपंच दे करन वाला है ते सारे ने अंदर दी जानन वाला है ओही साडा मालक ओही साडा खसम है। निरभौ पए गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा। पूरे गुरां दी चरणी लाग के एक राम नाम दा ही आसरा लिया इसलिए हुण निरभौ हो गए डर तो रहत हो गए असीं। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी होवन हारा। अकाल मूर्त अकाल स्वरूप वाहिगुरु का दर्शन सहित फलां दे है जो दर्शन करदे आ उहदा फल मिलदा आपां नूं। इह प्रभ ते विश्राम लाउणा है। इह सारे हुण गलती लाई जांदे अजकल सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी होवन हारा। सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है पी होवन हारा है हुण भी है पी पिछे भी सी होवन हारा अगे नूं भी होवेगा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। उहने अपने सेवक जन अपने कंठ नाल गल नाल ला के रखे ने अपनी प्रीति दा वो प्यारा है पाप प्याला प्याल के वो अपनी प्रीति दा प्यारा है। वाहिगुरु जे कि उहनूं प्रीत करदा उहनूं वो प्रीति करदा अगे प्यार करदा। वड्डी वड्याई अचरज शोभा कारज आया रासे। जिस वाहिगुरु की वडियाई सब तो वड्डी है उहदी अचरज शोभा कीती तां कारज रास आ गया। जिहदी वडियाई वड्डी है ते शोभा अचरज है उहदी शरण पैण करके कारज रास आया कहण तो भाव के कारज पूरा हो गया है। नानक कौ गुर पूरा भेट्यो सगले दुख विनाशे। 610 अंग ते फरमाउंदे ने महाराज कि मैनूं पूरा गुरु भेट्यो भाव मिलिया इस करके सारे दुख जिहड़े सी उह दूर हो गए ने। सोरठ महला पंजवा सुखिए कौ पेखै सब सुखिया रोगी कै भाणै सब रोगी। जिवें सुखी बंदे नूं सारे मनुख जिहड़े ना उह सुखी पेखै सुखी उह दिसदे आ इह सारी दुनिया सुखी है मैनूं सुख है सारिआं नूं। अते रोगी दे भाणे सारे रोगी ने कहिंदे हस्पताल गिआ सी ऐं लगदा सारी दुनिया इत्थे पई है ते सुखी जिहड़े आ उह कहिंदे सारे सुखी होई आ कहिंदे जिही जी निगाह हुंदी उहो जिहा दिखी जांदा। करण करावन हार स्वामी आपन हाथ संजोगी। जो स्वामी परमात्मा सब दे पैदा करन वाला है अते सब तों कर्मां दे कराउण वाला है सब कुछ उहदे हथ विच ही है फिर उह सारिआं दा संजोगी आ सारिआं दे नाल मिल रिहा संजोगी तो भाव मिलिया होया सारिआं दे नाल। मन मेरे जिन अपना भरम गवाता। ये मेरे मना जिन्हें अपना भरम गवा लिया ना फिर इसकै भाणै कोय ना भूला जिन सगलो ब्रह्म पछाता रहाओ। जिन्हें सारे जगत नूं ब्रह्म करके पछाणिया ना उहदे भाणे विच कोई भी भुलिया होया नहीं है उह सब हुक्म च जाणदा विश्राम दे के कहिंदे ने। संत संग जा का मन शीतल ओ जाणै सगली ठंडी।
संतां दे सत्संग करके जी दा मन शांत होया, ठंडा ठार हो गया, वो सारी दुनिया नू शांत स्वरूप ही समझदा। कहिंदे मैनू तां कोई दिखदा नहीं, सारे मैनू तां शांति स्वरूप ही लगदे ने। उहदी उही जी निगाह बन गई, हम मैं रोग जाका मन व्यापत, ओह जन्म मरै बिल लाती। हुण जिहदा अपना मन हउमै रूपी रोग च कहिंदे व्यापित लग्गिया होया, व्यापित पाठ ही करना, पप्पे सिहारी आ ना, व्यापत नहीं करना, व्यापित वह आप जमदा मरदा, तो सारी दुनिया नूं भी बिरलाप करदे ही देखदा। वह कहिंदा लै भी दुनिया तां सारी ही बस, वह सारी दुनिया नूं इहें कही जांदा जिहा जिहा आप हुंदा। ज्ञान अंजन जा की नेत्री पढ़िया ताको सर्ब प्रगासा, जिहदियां मन बुद्ध रूपी अखां च ज्ञान अंजन गुरां ने पा दिता ना सुरमा, उहनूं सारे पासे प्रकाश ही निगाह आउंदा। उह कहिंदे मैनूं कोई दूजा दिखदा ही नहीं, मैनूं तां सारे ऐ दिखदे, रब दा प्रकाश ही प्रकाश है। अवस्था पो अपनी है, अग्ञान अंधेर है सूजस नाहीं बहुड़ बहुड़ परमाता। जिहड़ा ज्ञान दे नेरे च पिया होया उहनूं कुछ सुझदा ही नहीं, इह मुड़ मुड़ के जूनियां च ही पई जांदा, आके भरमदा ही फिरदा। सुन बेनंती स्वामी अपने नानक एहो सुख मांगा। महाराज कथन करदे, हे मेरे स्वामी परमेश्वर मालक जी, हे गुरु ग्रंथ साहिब, मेरी बेनती सुनो, मैं अपने वास्ते एहो सुख मंगदा, जह कीर्तन तेरा साधु गावै तह मेरा मन लागै। जिथे भी साधु जन तेरा कीर्तन गाउंदे आ ना, उत्थे मेरा मन लग्या रहे। बस महापुरखां दा कीर्तन सुनी जाइए, नाम रस्सियां दा कीर्तन सुनाओ। वह जिन्हें इधर उधर झाकना है माया लई कीर्तन करना, वह फिर रस नहीं पैंदा इन्ना, आत्म रस नौ तो रख लेंदे आ, पर विच लालसा होर हुंदी है, ऐं जुड़े मन नाल तां फिर देख लो जिन्हें कीर्तन कीते आ। धन बाबा ईश्वर सिंह जी राड़े वाले महापुरख, संत बाबा अतर सिंह जी मस्तुआ वाले भी कीर्तन करते होंगे, संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा खड़ के कहा करते, बाजा रख के मेज के उत्ते ढोलकिया वाले नाल बहदे, फिर उची उची गाउणा, साजनड़ा मेरा साजनड़ा, निकट खलोड़ा मेरा साजनड़ा, खड़के करया करदे सी। उदों माइक नहीं सी हुंदे, स्पीकर स्पूकर कुछ नहीं, उची उची बोल के उहनां ने विचार सुनाउणे। उह जिहड़ा नाम रंग दे विच भिज्जिया होया कीर्तन करना, उह तां 48 घंटे 70-70 घंटे भी कीर्तन करी जांदा है। धन गुरु नानक देव जी, धन भाई बाला मरदाना जी, उहनां दा कीर्तन सुनाओ महाराज जी, कृपा कर दिओ, नाम रस्सियां दे कीर्तन सुनाओ। मेरा तो यही है भी मेरा मन उत्थे जुड़दा रहे, जिथे कोई सत्संगी पुरश महापुरख कीर्तन करे, कोई जुड़ी हुई रूह कीर्तन करे, बस मैनू ओह थां ते वासा दे दिओ, मैं उत्थे बह के सुना।